हाल ही में अशोक लेलैंड ने दोस्त एक्सेल को लॉन्च किया, तो आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे टाटा इंट्रा V30 से। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्त की एक शोरूम प्राइस है 7,75,000 से लेके 8,25,000। वहीं इंट्रा की एक शोरूम प्राइस है 7,57,000 से लेके 8,44,000। वहीं दोस्त पे वारंटी मिलती है 5 ईयर 1,00,000 किलोमीटर की। वहीं इंट्रा पे वारंटी मिलती है 2 ईयर 72,000 किलोमीटर की। वहीं दोस्त में 14 इंच के टायर मिलते हैं, वहीं इंट्रा में भी 14 इंच के टायर मिलते हैं। वहीं दोस्त में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है, वहीं इंट्रा में भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। वहीं दोस्त में पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, वहीं इंट्रा में सेमी ऑप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। वहीं दोस्त का व्हील बेस है 2350 mm, वहीं इंट्रा का व्हील बेस है 2450 mm। वहीं दोस्त में 40 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है, वहीं इंट्रा में 35 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है। वहीं दोस्त में 8.7 फीट लंबा डाला मिलता है, 5.3 फीट की चौड़ाई मिलती है, 1.4 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। वहीं इंट्रा में 8.8 फीट लंबा डाला मिलता है, 5.3 फीट की चौड़ाई मिलती है, 1.3 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। वहीं दोस्त का GVW है 2625 kg, वहीं इंट्रा का GVW 2565 kg। वहीं दोस्त में 1+1 की पार्सिंग मिलती है, वहीं इंट्रा में भी 1+1 की पार्सिंग मिलती है। वहीं दोस्त में भी पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, वहीं इंट्रा में भी पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। वहीं दोस्त में 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है, वहीं इंट्रा में भी 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है। वहीं दोस्त की टॉप स्पीड है 18 किलोमीटर, वहीं इंट्रा की भी टॉप स्पीड है 18 किलोमीटर। वहीं दोस्त में 1478 cc का इंजन मिलता है, पावर 70 bhp, टॉर्क 170 Nm। वहीं इंट्रा में 4 सिलेंडर 1497 cc का इंजन मिलता है, पावर 70 bhp, टॉर्क 160 Nm। वहीं दोस्त में 18 km/l की माइलेज मिलती है, वहीं इंट्रा में 14 km/l की माइलेज मिलती है। तो कमेंट में ज़रूर बताएगा आपको न्यू अशोक लेलैंड दोस्त एक्सेल पसंद है या टाटा इंट्रा V30 पसंद है। वंदे मातरम।